हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। दोस्तों, सोशियोलॉजी का पेपर वन, दोस्तों पेपर वन जो यूपीएससी मेंस 2020 खत्म हो चुका है। एंड दोस्तों, बहुत ही एक मज़ेदार तरह का पेपर था, मेहनत की थी तो फल मिलेगा। एंड मैं चाहता हूँ इस हम पूरे वीडियो में डिस्कस करें कि क्या रहा ब्रॉडर ब्रेकअप पूरे पेपर का, एंड कुछ अगर जो कॉन्टेंट अगर हमने पढ़ा उसके कुछ फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ, ठीक है, ताकि आने वाले अगर सालों में अगर आप पेपर देना चाहते हैं सोशियोलॉजी ऑप्शनल से, थोड़ा आपको मदद मिलेगी इस पूरे वीडियो से। चलिए दोस्तों, सबसे पहले जैसे ब्रॉडर एनालिसिस में मैंने एक पूरे पेपर का एक ब्रेकअप देखा चैप्टर वाइज, जैसे चैप्टर वन में कौन से क्वेश्चन हैं, कितने मार्क्स के, जैसे अगर मैं आपको पूरा पेपर दिखाऊंगा, चैप्टर वन में दो क्वेश्चन हैं हमारे पास इस बारी, अगर हम देखें 20 मार्क्स, देन चैप्टर टू 10 मार्क्स, एंड देन चैप्टर थ्री अगर देखें 50 मार्क्स। चैप्टर थ्री आपको मैंने हमेशा बताया कि बहुत से बच्चे छोड़कर जाते हैं, हमने काफ़ी एक्सटेंसिवली कवर किया हुआ है हमारे यूट्यूब के वीडियोस में। देन अगर आप हमारे पेड उसके जो मॉड्यूल के स्टूडेंट हैं तो वहां पर और एक्सटेंसिवली कवर्ड है, हर लंबे से वीडियोज़ हैं वहां पर। एंड देन हमने कुछ टेस्ट किए हुए हैं, कुछ हाफ लेंथ टेस्ट, कुछ फुल लेंथ टेस्ट, उन सभी के क्वेश्चंस मिलाकर अच्छा अटेम्प्ट यहां पर हो सकता है। चैप्टर फोर थिंकर्स का, अगेन रूलिंग द रूस्ट, तो 100 मार्क्स का टोटल अगर हम पूरा पेपर देखते हैं दोस्तों, पूरा पेपर 400 मार्क्स का रहता है, ठीक है, 400 मार्क्स क्योंकि उसमें ऑप्शन भी रहते हैं ना, हमें 8 में से 5 सवाल करने होते हैं तो, लेकिन जैसे क्योंकि 8 क्वेश्चंस होते हैं दोस्तों 50 मार्क्स के, तो टोटल पेपर 400 मार्क्स का है, तो 400 में से 100 नंबर तो हमें नजर आते हैं थिंकर्स। दैट मीन्स कि बहुत ही स्प्रेड आउट रहते हैं थिंकर्स पूरे पेपर में, जगह जगह आप कोट भी कर सकते हैं इनको, तो इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आप यहां पर अगर देखिए इन कुछ चैप्टर्स के बारे में, चैप्टर 5 स्ट्रेटिफिकेशन का, देन चैप्टर 6 हमारे पास वर्क इकोनॉमिक लाइफ, इंपॉर्टेंट था इस साल क्योंकि हर साल वैसे रहता है लेकिन इस बार लेबर लॉ एक्सेट्रा को लेकर बात थी यहाँ पर। देन चैप्टर 7 में हमारे पास पॉलिटिक्स की बात है, 8 में हमारे पास देन रिलीजन, एंड रिलीजन में जैसे इनडायरेक्ट क्वेश्चन हैं जो आप कह सकते हैं कि थिंकर्स एक्सेट्रा से थोड़ा ओवरलैप करते हैं, लेकिन अगर हम उनको क्लासीफाई करें, मैंने उनको थिंकर में डाल दिया इंस्टेड ऑफ रिलीजन, ठीक है। तो आप ये मत समझें कि ये चैप्टर को कोई बात नहीं नजरअंदाज करते हैं, लेकिन कोट हर जगह कोट हो सकते हैं, जो मल्टीपल तरह से पेपर टू का सामान यहां पे कोट होगा। देन चैप्टर 9 एंड देन चैप्टर 10, तो थोड़ा वेल डिस्ट्रीब्यूटेड पेपर है, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ कर जाऊं कुछ छोड़ जाऊं, ऐसे कुछ स्ट्रेटजी नहीं बना सकते क्योंकि कभी कुछ ज्यादा आ जाता है कभी कुछ कम आ जाता है, तो अकॉर्डिंगली पूरा मेहनत बेस्ड एक एग्जाम है मेरे हिसाब से। एंड हम इसको अगर एक थोड़ा जो स्ट्रक्चरली देखें तो आंसर जो तभी अच्छे बनेंगे जब हमने पूरा साल ढंग से पढ़ाई की है एंड आंसर्स लिखे हैं। मैं आपको अगेन रिपीट करता हूं, इसीलिए कंटेंट सबसे पहली चीज है, अगर मैं आपको बताऊं ब्रॉडर स्ट्रेटजी सबसे पहली चीज है कि हमारे पास अगर कंटेंट ही नहीं है अच्छा तो हम स्ट्रक्चर्स आंसर्स बना ही नहीं सकते। सबसे इंपॉर्टेंट सुप्रीमली इंपॉर्टेंट चीज है कंटेंट। देन दोस्तों दूसरी चीज आती है हमारे पास, उसको हम बोलते हैं कि आंसर राइटिंग, कि आंसर राइटिंग कीजिए। आंसर राइटिंग अगर आप जो स्ट्रक्चर तरीके से कर लेंगे, लेट्स से कि आपने देख लिए बहुत से जैसे आंसर्स बने हुए, मैं आपको जो से अभी मार्केटिंग एक्सरसाइज ही रहती है थोड़ा हमारे एंड पर कि हमने जो पढ़ाया था उसमें से कुछ आया नहीं आया, मैं आपको इस वीडियो के अंत में बताऊंगा भी जो हमने क्वेश्चंस किए थे सॉल्व उसमें से कहीं पे ओवरलैप हुए या नहीं हुए, ठीक है। आंसर राइटिंग कीजिए एंड देन आंसर राइटिंग करने के बाद अगर कुछ कमियां लगती हैं, कुछ स्ट्रक्चर बनाने में कुछ कमी लगती है, वो सीखिए एंड देन अगेन सीखकर कंटेंट को अपग्रेड कीजिए। यही सेम स्ट्रेटजी जीएस में रहती है, ये सेम प्रीलिम्स में रहती है, मेंस में रहती है कि आप जो पहले पढ़ाई कीजिए फिर टेस्ट कीजिए, टेस्ट के बाद खुद को अपग्रेड कीजिए, ठीक है। तो ये 3 स्टेप में फॉलो करना होता है, इसीलिए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है यूपीएससी में जो हम अपने आप को जब चाहते हैं इंप्रूव करना, ठीक है दोस्तों। चलिए स्ट्रेट फॉरवर्ड सेक्शन ए पर आते हैं, जो पहला क्वेश्चन कंपलसरी रहता है, ये 5 पार्ट 10 मार्क का रहते हैं। तो पहला क्वेश्चन था इंटेलेक्चुअल फोर्सेज लेड टू इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी, तो बहुत ही स्टैंडर्ड कन्वेंशनल जो कन्वेंशनल टाइप क्वेश्चंस हैं बहुत सारे हैं इस पेपर में। एंड देन उस पे अगर हम देखें तो चैप्टर वन में एक्सटेंसिवली कवर्ड है, लेक्चर्स में यूट्यूब पर भी अवेलेबल है। एंड देन उसके बाद अगर आप पेड मॉड्यूल में हैं तो देखेंगे वहाँ बॉटम मोर्स के जो हमने डाले हुए हैं इंटेलेक्चुअल एंटीसीडेंट्स, जो जितलिन के कुछ पॉइंट कोट हो सकते हैं, मतलब इसमें कोई टेंशन नहीं है, हमने बहुत बार डिस्कस किया हुआ है और अदर ग्रुप्स वगैरह में बच्चे बात भी करते रहते हैं, तो कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। सोशियोलॉजी वैल्यू फ्री साइंस है या नहीं, स्ट्रक्चर बना के इसको एनालाइज कर सकते हैं कि साइंस होती क्या है पहले ना, वैल्यू फ्री साइंस है कि नहीं पहले साइंस बताना पड़ेगा ना, फिर ही हम बताएंगे कि वैल्यू फ्री वाली साइंस है कि नहीं। देन वैल्यू फ्रीडम ऑब्जेक्टिविटी के बारे में बात करें एंड सोशो का कंपैरिजन बताएं कि हम अंत में कुछ एक आधा कोटेशन भी लिख सकते हैं, अगर हमें याद है प्रॉपरली हम आंसर को ठीक से स्ट्रक्चर बना सकते हैं।
मेथोडोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं कि रूल्स प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर का ही एक इलैबोरेट सिस्टम है मेथोडोलॉजी, जिससे साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन होती है। तो जो हमारे रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड एनालिसिस के बिल्कुल शुरू के ही जो हमारे चैप्टर्स में यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। ठीक है, कॉन्टेंट बनाइए अपना, ये इजिली डूएबल। आइडियल टाइप्स हैं मैक्स वेबर के, वो कह रहे हैं सिर्फ मेंटल कंस्ट्रक्ट्स हैं जो उसको हम पढ़ते भी हैं, एंड देन वो कह रहे हैं कि रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। तो दोनों साइड बतानी पड़ेंगी सर कि मेंटल कंस्ट्रक्ट तो डेफिनेटली है ही है, ठीक है। एंड देन जैसे कहने का भाव क्या है कि हम आइडियल टाइप के पहले क्रिटिसिज्म कर सकते हैं, देन इसको रिफ्यूट भी कर सकते हैं कि लेकिन सर बहुत सारे जगहों पर इसका यूज भी हो सकता है, आइडियल टाइप ऑफ ब्यूरोक्रेसी में, आइडियल टाइप ऑफ रिलीजन, जैसे मार्क्स ने प्रोटेस्टेंट एथिक्स का बनाया आइडियल टाइप, एंड सॉरी मैक्स वेबर ने, एंड जो प्रोटेस्टेंट एथिक्स और एक कैपिटलिज्म का, दोनों को कंपेयर किया। रियल लाइफ में भी कंपैरिजन का स्कोप आता है, ठीक है। जो मतलब थोड़ा आपकी इनोवेशन, आंसर राइटिंग बनाने का तरीका, स्ट्रक्चर पर डिपेंड करेगा। पैटर्न वेरिएबल कोई ऐसे खास चीज ही नहीं है कि सोशल चेंज को समझने में बहुत हेल्प करते हैं हमारी, ठीक है। एंड पैटर्न वेरिएबल्स के बारे में एक्सटेंसिव चीजें कवर है, ये तो कन्वेंशनल क्वेश्चन है, इसमें मैं बहुत टाइम नहीं लगाऊंगा। देन जो मर्टन क्या बोल रहे हैं कि जो फंक्शनलिज्म के बारे में जब वो बात कर रहे थे, तो सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने उनसे पहले जो भी कहा था उसका क्रिटिसिज्म है ना, तो हम ये पढ़ते ही हैं। और देन लिमिटेशन ऑफ लेटेंट फंक्शन, रिसेंटली हमने एफएलटी में भी कवर किया था इसको, हमारे फुल लेंथ इसमें भी था लेटेंट फंक्शन की लिमिटेशंस। एंड देन उसके पहले अगर हमने जो मर्टन की, अगर आपने हमारे जैसे सोशो के जो मॉड्यूल है हमारा, उसमें हमने जो मर्टन रिट्जर से जो कवर करते हैं, अगर आप सोशो के पेड मॉड्यूल के स्टूडेंट नहीं है दोस्तों, घबराने की बात नहीं है। रिट्जर एक किताब है ना, जॉर्ज रिट्जर, आपको पता है। रिट्जर से मर्टन पढ़ना शुरू कीजिए, आराम से जो सवाल सॉल्व होंगे। रिट्जर में मैंने आपको एक वीडियो भी बनाकर डाला हुआ है कि व्हाट टू रीड फ्रॉम रिट्जर एंड हरलंबस। रिट्जर में कुछ एक स्पेसिफिक सी ही चीजें पढ़नी होती हैं, और जो मैंने पढ़कर नोट्स बनाकर अपने वहां पे मॉड्यूल में डाल दिया। वैसे अगर आप खुद से भी पढ़ेंगे तब भी एग्जैक्टली सेम चीज है दोस्तों, आप वहां पर एग्जाम में अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो कि कैसे सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट या फिर जो इनिशियल जो सोशल थॉट था, जो सोशियोलॉजी का थॉट था फंक्शनलिज्म को लेकर, जो मर्टन ने कैसे उसको इवॉल्व किया या फिर राधर मैं कहूंगा बिल्कुल बदल दिया। एंड देन कि उसको हम बोलते हैं कि एक लॉजिकल कंक्लूजन पर ले गए मर्टन, देख सकते हैं, ठीक है। एंड देन हायरार्की एक्सक्लूजन, ये दीपांकर गुप्ता की जैसे बात शुरू करते हैं, वो हायरार्की इनइक्वालिटी एटसेट्रा से अपना लॉजिक शुरू करते हैं। देन एक्सक्लूजन पर एक डिटेल्ड लेक्चर डाला था मैंने अपडेशन में, एक्सक्लूजन क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो एक्सक्लूजन के साथ रिलेट करना जरूरी है, एक्सक्लूजन यूपीएससी का भी थोड़ा खास रहता है। एंड देन दोनों को कैसे कि जो समाज को बदलने में कैसे एक क्लोज्ड मोबिलिटी वाला सिस्टम बन जाता है एक्सक्लूज में, अगर जो मानना है यहां पर आप डालिए रियल लाइफ एग्जांपल्स कि कास्ट जेंडर से बियॉन्ड जाके ट्रांसजेंडर्स की बात कीजिए, हमने डिटेल्ड लेक्चर किए हैं, ट्रांसजेंडर्स की बात कीजिए, रेस की बात कीजिए आप यहां पर, तो कैसे जो सोसाइटीज की बदलने में बदलाव में जो बहुत बड़ी दिक्कत रहती है। देन आप जैसे बोल सकते हैं कि अगर आपको थोड़ा याद हो तो अंडर क्लास की बात भी की थी हमने लेक्चर्स में, वो सब डाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको जो हिंट दे रहा हूं कि कौन सी चीजें कहां कहां डल सकती हैं, मसाला हमारे पास बहुत है, मसाले को हमने सिर्फ ऑर्गेनाइज करना है। देन डेमोक्रेसी, वो कह रहे हैं कि एज एन ऑर्डर ऑफ सोसाइटी इसको एक्सप्लेन कीजिए, तो डेमोक्रेसी की बात कैसे कर सकते हैं कि सिर्फ एलीट का रूल नहीं है, प्लुरालिटी है, सिविल सोसाइटी का रोल भी है, कैसे जो प्रेशर ग्रुप्स का जो रोल भी रहता है डेमोक्रेसी में, एंड अकाउंटेबिलिटी के मैकेनिज्म आ जाते हैं पूरे डेमोक्रेसी के बारे में। जो चार पांच छह अगर आप अच्छी बातें कह सकते हैं जो हमने पॉइंट्स में लिखी हुई हैं, 15 के आसपास लिखी हैं शायद, तो पांच छह लिख दीजिए बहुत है, ठीक है, क्योंकि 10 मार्कर है। एंड देन कि क्यों लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, देन दैट मींस डेमोक्रेसी का क्रिटिसिज्म भी लिखना है कि पहली बात तो आप बताएंगे कि लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, दूसरी बात पार्टिसिपेट करते हैं तो कुछ खास बदलाव तब भी नहीं होता, ठीक है। पार्टिसिपेट करने के बावजूद भी अकाउंटेबिलिटी एंश्योर करना कोई ऐसे गिवन नहीं है कि होगा ही होगा, लोग आ गए तो अपने आप ही अकाउंटेबिलिटी भी आ जाएगी, ट्रांसपेरेंसी नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो आपने दोनों बताना है कि पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, एंड अगर करते भी हैं तो उससे भी जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स जो अगर उस पर खरा उतरे वो भी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास बहुत सारा कॉन्टेंट है, इसको बस 10 मार्कर के हिसाब से 150 शब्दों में समेटना थोड़ा चैलेंज है। ओके, देन वो बोल रहे हैं कैपिटलिज्म ने जो इनफॉर्मलाइजेशन बढ़ा दी हमारे समाज में वर्क की, तो अब यहां पर सबसे पहले आपको बताना होगा कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन या इनफॉर्मलाइजेशन कहते किसको हैं, जिसमें कीथ हार्ट एटसेट्रा के जो आपने लॉजिक पढ़ते हैं, जो सॉरी पॉइंट पढ़ते हैं वो आप लगा सकते हैं। देन आप बता सकते हैं कि कैसे कैपिटलिज्म ने आकर इस पूरे प्रोसेस में इनफॉर्मलाइजेशन में बढ़ोतरी करी। मार्क्स को कोट कीजिए, लेनिन की बात करते हैं हम यहां पर, ठीक है। एंड देन जो आप अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी बात कीजिए, बहुत जरूरी है ना कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, ग्लोबलाइजेशन एंड
कैपिटलिज्म कैसे आए, एंड जैसे हमारे पास यहाँ पे हम पेपर टू में पढ़ते हैं, पेपर टू को भी कोट कीजिए, जो शरद दवाला रिपोर्ट है, एंड देन इला भट्ट का जो हम पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ईजिली कोटेबल है, मुश्किल नहीं है, रिकॉल करना है एंड वहां पर एग्जाम में जाकर बस पॉइंट लिखने, एंड मतलब इतना आसान नहीं है, बस कहना तो आसान लगता है यहाँ बैठ के बाहर बैठ के, एंड प्लस जब आप टीचर होते हो तो आप तो वैसे ही ना कहते हो अरे तो इतना आसान है, बच्चों के पर्सपेक्टिव से देखें मुश्किल हो सकता है डेफिनेटली, लेकिन लेकिन अगर मेहनत की है, अगर थोड़ा सा मैं कहूंगा, मैं हमेशा बोलता हूं थोड़ा सा रट्टाफिकेशन की हुई है, एग्जाम अच्छा जाएगा। ओके देन दोस्तों यहां पर वो बोलते हैं कि अगर आप जो क्रिटिकली एनालाइज कीजिए डर्कहाइम के व्यू को ऑन एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ एंड रोल ऑफ रिलीजन, जो डर्कहाइम का जो व्यू था एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, टोटेमिज्म एटसेट्रा है ना, वो हमने पूरा जो डर्कहाइम में ही कवर करते हैं, डर्कहाइम का पूरा आइडिया है रिलीजन का, वो एलिमेंट्री फॉर्म से आता है, दिन बताते हैं ग्रेजुअली कैसे बदल गया मॉडर्न सोसाइटी के हिसाब से। ओके बहुत बढ़िया, लेकिन इसको क्रिटिकली एनालाइज करना है, आपने इसमें कमियां भी बतानी है, जो हमने इसके जो क्रिटिकल पॉइंट्स लिखे हैं, जो कुछ हमें क्रिटिसिज्म पता है वो लिखने हैं, एंड देन आपने बताना है कि कॉन्सिक्वेंसेस भी बताइए रिलीजियस रिवाइवलिज्म के इन कंटेम्प्रेरी सोसाइटी, दूसरा पार्ट भी यहां पर नजर बनाए रखें, रिलीजियस रिवाइवलिज्म इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिलीजन के चैप्टर में नोट्स में भी लिखा हुआ है, अब यूट्यूब पर भी वीडियो अवेलेबल है, पेड कोर्सेज में भी है, क्रिस्टोफ जेफरे लॉ के पॉइंट भी है कि कैसे रिवाइवलिज्म ऑफ अ डिफरेंट सॉर्ट भी हो रहा है इंडिया में, इंडिया का कॉन्टेक्स्ट भी डाल दीजिए, व्हाई नॉट है ना, डाल सकते हैं ना, तो जो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में जब हम बात करते हैं, रिसेंटली मैंने एक अपडेशन लेक्चर भी डाले थे अपने मॉड्यूल में कि अबाउट कि कैसे जो रिलीजन के और सेकुलरिज्म एटसेट्रा के जो थॉट पर दिल्ली राइट्स को भी कंपेयर किया था हमने, दिल्ली राइट्स में आपको नजर आता है एक रिवाइवलिस्टिक फीचर, तो वो अगर आप देखें तो उसके बारे में बात भी आप लिख सकते हैं, कर सकते हैं। ओके देन वो बोल रहे हैं कि अक्रॉस रीजन मैरिज, अक्रॉस रीजन मैरिज के बारे में बात करनी है कि जैसे अगर जो रीजन्स के अक्रॉस मैरिजेस होती हैं विद इन द रीजन, अवे फ्रॉम द रीजन भी होती हैं, तो यहां पर आप बताएंगे जैसे बहुत मैं सरल कर रहा हूं इसको, मैं बहुत ओवर सिंप्लीफाई करूं अगर आपके लिए, तो यही है कि अगर एक जगह से शादी होगी, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने वो मूवी देखी होगी ना टू स्टेट्स की, पंजाबी फैमिली एंड एक शायद तमिल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग तमिल फैमिली शादी कर रहे हैं, अक्रॉस रीजन जा रहे हैं वो, एंड उसके बाद पेरेंट्स का जो वहां पर जो दबाव है कि नहीं कीजिए, या फिर जो कल्चरल वहां पर उनको जो चैलेंजेस नजर आते हैं, तो आप थोड़ा सा उसे इमेजिन करके मॉडर्न इंडियन सोसाइटी पर क्या इंपैक्ट रहेगा उसको थोड़ा सोचिए, ठीक है। ओके आपने पहली बात तो है बताना जरूरी है, देखो अगर आज से चले जाओ आप 500 700 800 साल पहले बहुत सारी अक्रॉस रीजन मैरिजेस नहीं हो रही थी, अभी भी नहीं होती इमेजिन है ना, उसके पहले तो बिल्कुल नहीं हो रही थी, लेकिन अभी क्यों हो रही है, क्योंकि लोग अर्बन इलाकों में काम करने जाते हैं, आईटी इंडस्ट्री में लोग काम करते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण काम करते हैं है ना एटसेट्रा, पढ़ाई करने जाते हैं यहां वहां, तो आप बताइए पहले कुछ 3-4-5 कारण दे दीजिए कि क्यों अक्रॉस रीजन मैरिजेस हो रही है, पहले एक दो कारण बता देंगे कोई बुराई नहीं है दोस्तों, देन कॉन्सिक्वेंसेस तब बताइए कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो रहे हैं उससे, जैसे फ्यूजन हो रही है कल्चर्स की है ना, जो ट्रेडिशन का स्प्रेड हो रहा है, कल्चर की का स्प्रेड हो रहा है ना, डायवर्सिटी, लिटिल ग्रेट ट्रेडिशन का बता सकते हैं कि एक जो पर्टिकुलर चीज पहले मनाई जाती थी एक जो सिर्फ लेट्स से महाराष्ट्र में, अब वो पंजाब में मनाने शुरू हो गए, ठीक है, बिहार में मनाई जाती थी, अब अक्रॉस रीजन मैरिजेस हो रही है, तो उसका जो इंपैक्ट दिल्ली में नजर आता है, ठीक है, तो आप ऐसे बता सकते हैं थोड़ा बहुत कि कॉस्मोपॉलिटनिज्म भी आता है इससे, क्योंकि जब आप डाइवर्स तरह के जब आप कल्चर्स के साथ फेस टू फेस होते हैं तो कॉस्मोपॉलिटन हो जाते हैं, घोरे का पॉइंट है यहां पर, अगर आप जैसे मुझे आंसर बना रहा था इसका तो मुझे लग रहा था कि जो घोरे के पॉइंट डालता हूं यहां पर मैं, जो घोरे ने कहा था जब कि जब हम बिल्कुल शुरू में पढ़ते हैं A1 चैप्टर में बिल्कुल शुरुआत में कि सिविलाइजेशन एंड कल्चर एंड किनशिप, कि कैसे जो हमारे सिविलाइजेशन एंड कल्चर कैसे जो स्प्रेड हुए, असिमिलेशन की बात करते हैं एक्सेट्रा, एंड देन आप बता सकते हैं इसके चैलेंजेस भी हैं, ठीक है, अक्रॉस रीजन मैरिजेस के चैलेंजेस भी हैं, पर्टिकुलरली वुमेन के लिए ज्यादा चैलेंजेस हैं, पेपर टू में कवर करते हैं कि जो अगर माइग्रेंट वुमेन हैं पर्टिकुलरली उनके चैलेंजेस थोड़े ज्यादा रहते हैं है ना, क्योंकि शादी के बाद पर्टिकुलरली किसी और जगह में जाते हैं एंड अगर डिफरेंट शहर में रहते हैं दिक्कत हो जाती है। ओके देन वो बोलते हैं क्या इंसानियत नेचर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मर्सी पर है, ठीक है, तो कि नेचर कभी एकदम से पेंडेमिक ले आती है, कभी साइंस एंड टेक्नोलॉजी आते हैं बोलते हैं चलो हम सब ठीक कर देंगे, लेकिन एकदम से देखते हैं हम सब ठीक होने के बजाय वहां पर और तरह की जो चैलेंजेस आ जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक है ना, प्लास्टिक के कारण कितना चैलेंज क्रिएट हुआ, तो एंड जो अभी जो देख रहे हैं फॉसिल फ्यूल के जलने से कितना चैलेंज क्रिएट हो रहा है, तो इसमें हमने जो लेक्चर शुरू किया हमारा जो हमारा जो चैप्टर टू का रिमेंबर आई स्टिल रिमेंबर और नोट्स में देख सकते हैं आप, अगर आप पेड मॉड्यूल में हैं
वहां पर, एंड फ्री लेक्चर्स में अडॉर्नो कुहन का व्यू डाला हुआ है। एंड मैंने जो ऐसे ही मैं किताब पढ़ रहा था एक, और वो जो सेपियंस, सेपियंस में हरारी ने बहुत अच्छा मॉडल दिया था युवल नोहा ने, तो वहां पर उनका पॉइंट डाल दिया था कि कैसे जो साइंस टेक एंड नेचर आपस में एक जो क्लोज लूप फॉर्म करते हैं, उसको लूप को भी आप दिखा सकते हैं। सिंपल सिंपल आइडियाज हैं, मैं आपको ये कह रहा हूँ, एग्जाम अच्छा बना सकते हैं। ठीक है, इसके अच्छे एस्पेक्ट्स भी बताइए कि सर बहुत सारे चैलेंजेस को साइंस ने, जो जो टेक्नोलॉजी ने जो रिजॉल्व भी किया नेचर के, एट द सेम टाइम इल इम्पैक्ट्स में अडॉर्नो कुहन आपके बहुत मदद करेंगे, है ना। इनके बारे में जो जो थॉमस फेरा जो सॉरी एंड जो फेराबेंड की बात करते हैं, थॉमस कुहन एंड देन है ना अडॉर्नो, ये सब आपको मदद करेंगे साइंस के थोड़ा सा क्रिटिसिज्म लिखने के लिए। ठीक है, इल इम्पैक्ट्स एंड पेंडेमिक सिचुएशन, थोड़ा सा इसको ताल्लुका दिखाइए कि पेंडेमिक सिचुएशन में पर्टिकुलरली किस तरह से जो नेचर, जो हमने जो जैसे जैसे ग्रेजुअली हम नेचर के अंदर जाते रहे, क्योंकि क्योंकि हमने जंगल काटे, लेट्स से बैट्स से हमारा इंटरेक्शन हुआ, तो वहां पर उसके कारण ऐसा माना जाता है ना, इट्स एक्सेप्टेड वो पार्ट ऑफ थियरी कि बैट्स के इंटरेक्शन के कारण हमारे ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में बहुत रैपिडली वायरस फैल गया। ठीक है, तो पेंडेमिक के चलते, लेकिन एट द सेम टाइम हमें जो ऑनलाइन एजुकेशन ने बचा लिया, टेली मेडिसिन ने बचा लिया, है ना, जो चीजें कम्युनिकेट करनी रादर आसान थी, मीडिया ने, लेकिन मीडिया के इल इम्पैक्ट भी दिखा सकते हैं। तो समझ रहे हैं आपकी ना, आपके पास बहुत सारा कंटेंट है, ऑर्गेनाइज कीजिए, आंसर बनाइए। ठीक है, किसी थिंकर को कोट कर सकते हैं, थिंकर्स भी हमें पता लग गए। ओके, देन वो बताते हैं कि डर्खाइम ने कहा कि जो मेजर फंक्शन ऑफ एजुकेशन इज ट्रांसमिशन ऑफ सोसाइटीज नॉर्म्स एंड वैल्यूज। ठीक है, डर्खाइम ने कहा, नहीं कहा, ये तो हम वैसे ही बहुत बार देखते हैं ना कि ट्रांसमिशन हो रही है जो सोसाइटी की नॉर्म्स एंड वैल्यूज, हम इसको बुरा भी मानते हैं वैसे, कि बहुत सारे जो इल इम्पैक्ट्स होते हैं जैसे कि पेट्रियार्कल वैल्यूज, है ना, ये सभी साथ साथ भी ट्रांसफर हो जाती हैं। तो आप यहां पर लिख सकते हैं कि एजुकेशन के जो टाइप्स को तोड़ के लिख सकते हैं कि फॉर्मल इनफॉर्मल एजुकेशन एंड देन उसके चैलेंजेस बेनिफिट्स। ठीक है, डर्खीमियन लैंग्वेज यूज कीजिए, डर्खीमियन लैंग्वेज मतलब कि सोशल फैक्ट है, है ना, एंड ऐसे ना जो आपको ये जो आपकी जो डर्खाइम पर्टिकुलरली अपने जो लेक्चर जो अपने जिसमें अगर बोलूं डर्खाइम अपने जो भाषा में जो अगर कहेंगे तो वो सभी हम यहां पर यूज करें अगर उनकी लैंग्वेज, तो ऑटोमेटिकली इट स्टार्ट्स बिकमिंग अ डर्खीमियन आंसर कि डर्खाइम कह रहे होंगे। जैसे वेबर के बारे में बात करेंगे तो आइडियल टाइप्स है ना, ऐसे ऐसे बातें शुरू कर देंगे हम, पावर स्टेटस यूज करना। मार्क्स की बात करेंगे तो मार्क्स की लैंग्वेज है हमारे पास, 3-4-5 शब्द रहते हैं, तो इसीलिए हमें मोल्ड करना है। आई जस्ट वांट यू टू फील कॉन्फिडेंट कि ना अरे डर्खाइम ने ऐसा कहा था, मैंने पढ़ा ही नहीं कभी, अरे कहा हो तो हम समझ के उसको, यूपीएससी झूठ तो नहीं बोल रहा होगा ना, डर्खाइम ने कहा होगा तो हम मान के चले, तो उसके बाद हम उसको थोड़ा एनालाइज कर दें एंड अकॉर्डिंगली एक पूरा डिस्कशन बना दें, अच्छा आंसर बन जाएगा। एंड देन सोशल मोबिलिटी क्लोज ओपन में बहुत ही जो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, अगर हम चैप्टर में ये नहीं पढ़ेंगे तो क्या ही पढ़ेंगे। एंड देन उसके बाद ग्लोबलाइजेशन के चलते वो कह रहे हैं कि क्या भारत में स्कोप ऑफ सोशल चेंज हो रहा है, सर बिल्कुल हो रहा है, एंड हो भी रहा है एंड नहीं भी हो रहा, दोनों बताएं। कि पहले आप बताएं कि जैसे टेक्नोलॉजी है, अर्बनाइजेशन है, डेमोक्रेसी, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ये सब चीजें आ रही हैं ग्लोबलाइजेशन के चलते एंड हमारे भारतीय समाज को चेंज कर रही हैं। मिडिल क्लास का इमर्जेंस है, विलेज लाइफ चेंज हो रही है, एग्रीकल्चरल लाइफ चेंज हो रही है ना, तो इसीलिए हम बोल सकते हैं सर कि सोशो का भी जो हमारा जो स्कोप है बढ़ता जा रहा है। सोशोलॉजी में हमें मॉडर्न तरह के टूल्स भी चाहिए, हमें मॉडर्न तरह के रिसर्च टेक्निक्स चाहिए, क्योंकि नई नई तरह की चीजें आ रही हैं। जेंडर स्टडी में भी अब ट्रांसजेंडर स्टडी इज ए न्यू फील्ड है ना, तो आप नई नई चीजों के बारे में बताइए क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के चलते एट द सेम टाइम हमारे पास अभी कास्ट अभी भी स्टडी होती है और कास्ट पे जो क्योंकि डायनामिक्स हैं जैसे पॉलिटिक्स में नजर आती है कास्ट में, तो आप बताइए कि सर जो सेम भी है एंड सेम नहीं भी है, दोनों ही तरह से हमें उसको बताना पड़ेगा। गेटिंग इट? ओके, देन यहाँ पे हाइपोथेसिस का जो इंपॉर्टेंट सोर्स ये स्ट्रेट फॉरवर्ड एक नोट्स में गिवन है, मैं इस पर डिस्कस नहीं करूंगा। एंड देन प्रॉब्लम इन ऑब्जर्विंग सोशल फैक्ट्स, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड जो डर्खाइम में हम जो प्रॉब्लम्स ऑब्जर्व करते हैं। एंड देन उसके बाद है कि जो वेरियस रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिस इन प्री मॉडर्न सोसाइटीज, तो जो हम जैसे बहुत सारे जो रिलीजन के फॉर्मेशन की थियरीज पढ़ते हैं इनफैक्ट, एंड अगर आप चाहें तो वहाँ पे ना अपने पिक एंड चूज कर सकते हैं, बहुत सारे पढ़ते हैं, पिक एंड चूज करके वहाँ पे जो आपको अच्छी लगती है उसके बारे में बात कीजिए, कुछ क्रिटिसिज्म ऑफर कीजिए, कुछ मॉडर्न थ्योरीज बताइए, दैट्स इट, आंसर अच्छा बन सकता है। एंड देन उसके बाद इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज कंटिन्यू टू बी सेक्रेड इन इंडिया, ठीक है, क्योंकि भारत में क्या आज भी शादी बहुत ही पवित्र एक बंधन है। आप बता सकते हैं कि सर जो आप ये देखो ये वाला जो रहता है हमारा फ्रेमवर्क चेंज एंड कंटिन्यूटी का, इसको आप जीएस में यूज कीजिए, सोशो में यूज कीजिए कि सर कुछ बदलाव तो आ ही रहा है, नई नई तरह की जो इंस्टीट्यूशंस आ रहे हैं, डिवोर्स रेट अप हो रहा है, लेकिन कंटिन्यूटी भी है, आज भी बहुत बड़ा इवेंट है और रादर हम बहुत सारे जो फैमिली की जो
हमारी जो एक्सपेंडिंग रहती है ना बहुत खर्चा, वो आज भी जुड़ा हुआ है इसके साथ। तो अब जहां पे चेंज की बात कीजिए, कंटिन्यूटी की बात कीजिए, दो तीन पॉइंट वहां, दो तीन पॉइंट वहां, ठीक है। एंड देन उसके बाद आप बता सकते हैं थोड़ा इलाबरेट जो एग्जांपल्स के साथ, तो अच्छा आंसर बन जाएगा 150। क्योंकि यहां पे ना जो 10 मार्कर्स हैं, सबसे बड़ा चैलेंज उसका यह कि कॉन्टेंट ज्यादा होता है और हमारे पास जो जो जगह कम रहती है 150 वर्ड्स, ठीक है। तो ओके, देन वो कहने नए लेबर कोड्स आए हैं, उसमें फॉर्मल इनफॉर्मल जो लेबर पर क्या इंपैक्ट रहेगा उसको डिस्कस कीजिए। दोनों ही साइड बताएंगे कि अच्छा भी है बुरा भी है। एंड देन लॉ में हम बताएंगे कि पहली बार बहुत सारी इनफॉर्मल सेक्टर जॉब्स है उनको रिकग्नाइज किया जा रहा है ताकि वो फॉर्मलाइज हो जाए लॉन्ग रन में। ओके, कोड बताइए, वेज कोड है, सोशल सिक्योरिटी का कोड है, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ का जो हमारे पास जो कोड है, एंड देन हमारे पास इंडस्ट्रियल रिलेशन का कोड है। चार कोड्स में हमारे पूरे लॉज को जो इकट्ठा किया जा रहा है। थोड़ा जीएस के पॉइंट्स हैं, लेकिन हाँ इसको जीएस के पॉइंट्स को उठा के यहाँ अगर लिख दें तो आई वुड सजेस्ट कि अच्छा लगता है ना, कि लगता है थोड़ा पढ़े लिखे इंसान से बात हो रही है। एंड देन उसके बाद आप बोल सकते हैं कि कैसे जो कैपिटलिस्ट फ्रेंडली भी माने जा रहे हैं, कि जो ओनर है उसके फ्रेंडली हैं, क्योंकि यूनियनाइज करने की थोड़ी सी जो पॉसिबिलिटीज हैं कम कर दी हैं। एंड देन एट द सेम टाइम इनफॉर्मलाइजेशन को भी इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि अभी जैसे गिग इकॉनमी बढ़ती जा रही है, गिग इकॉनमी को जो है ना, गिग इकॉनमी हमने बहुत इलैबोरेटली डिस्कस की हुई है अपने बहुत से वीडियोज में। अगर आप हमारा प्री क्योर प्रीमिक्स देखते हैं तो मैं तो आए दिन गिग इकॉनमी पर कोई ना कोई नया जो आस्पेक्ट पॉइंट ले आता हूं। तो गिग इकोनॉमी के बारे में बात कर सकते हैं, वो लेबर कोड जो अभी जैसे रीसेंट जो कोड है वो वर्क फ्रॉम होम को भी रिकॉग्नाइज करते हैं। तो बहुत सारी जो ऑक्यूपेशंस को फॉर्मलाइज करने की बात भी है, लेकिन एट द सेम टाइम जो सोशल सिक्योरिटी है वो भी बहुत सारी चीजों की बहुत मिनिमल सी हो जाएगी। तो इस कारण से जो फॉर्मल जो लोग हैं वो भी इनफॉर्मल नजर आएंगे, तो रिफ्यूट भी कर सकते हैं आप इसको, ठीक है। तो थोड़ा इलैबोरेट चाहिए इसमें आंसर, थोड़ा सा मेरे हिसाब से पेपर में एक ऐसा सवाल जो बहुत ही जीएस ओरिएंटेड है, लेकिन स्टिल वी कैन ट्राई टू फाइंड मे बी मेक अ गुड स्ट्रक्चर टू इट। ओके, तो अब वो कह रहे हैं कि जो अगर हम मिल्स की बात करें, सीडब्ल्यू मिल्स, तो वो कह रहे हैं कि एलीट्स रूल इन इंस्टीट्यूशनल टर्म्स रादर देन साइकोलॉजिकल टर्म्स, वो कि इंस्टीट्यूशंस पर उनका कब्जा रहता है। जैसे हम देखते हैं ना कि मिलिट्री इंस्टीट्यूशनल, एंड देन उसके बाद बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स पे है ना, तो आप बता सकते हैं कि साइकोलॉजिकल टर्म्स पे नहीं। तो आप जो एक बार इस पे अग्री कीजिए, मैं तो मिल्स का विचार है ना, अग्री कीजिए, दूसरी बार डिसअग्री कर लीजिए। मिल्स में हमने कितनी बार तो पढ़ा हुआ, कन्वेंशनल सा सवाल। एंड देन वो बोल रहे हैं कि जो सोशल सर्वे मेथड, दोस्तों नोट्स में जाइए, मैं आपको एग्जैक्ट लोकेशन बता रहा हूं, पीडीएफ है जो हमारा चैप्टर 3 है ना, पीडीएफ 3.2 के पेज 3 पर सोशल सर्वे मेथड के बारे में कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। एंड देन इट विल गेट यू स्टार्टेड वहां पे कुछ पॉइंट्स हैं, एंड उन पॉइंट्स को इलैबोरेट कीजिए, क्वेश्चनियर के साथ जोड़ दीजिए, है ना। सर्वे मेथड है ना, सोशल सर्वे में क्या क्या चीजें हो सकती हैं, क्या उसकी कमियां हैं, एंड क्या उसमें जो हमारे पास कुछ स्ट्रेंथ्स हैं, उसके यूजेस कहां पर हैं, ठीक है। यूजेस के बारे में पक्का बता दीजिए, चाहे यहां पर नहीं पूछा गया लेकिन बता दीजिए। ओके, देन दोस्तों टेक्नोलॉजी ने वो कह रहे हैं कि हमारी डेवलपमेंट एंड डिपेंडेंसी दोनों को ही एक्सेलरेट किया। तो आप ये देखिए, अगेन यहां पर चैप्टर 10 में अगेन एक पीडीएफ मैंने आपके साथ जो लेक्चर में भी शेयर किया हुआ है, देन वहां पे एजी फ्रैंक की बात होती है, ओ हेनरी जो एक बनाना रिपब्लिक, एक जो फिक्शनल एक वो बनाते हैं कहानी, उसको कोट कर सकते हैं, समीर अमीन के पॉइंट्स है वहां पर। एंड देन लेकिन एक और बात भी है कि इसको एक्सेलरेट किया, तो लेकिन एट द सेम टाइम यहां पर जो डेवलपमेंट के साथ डिपेंडेंसी आई, तो डिपेंडेंसी से हम हमारी कुछ कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी भी आई कि हम डिपेंडेंसी से आगे बढ़े, ठीक है, हम अब इंडिपेंडेंट हो जाएं, तो क्रिटिसिज्म भी ऑफर कर सकते हैं। ओके, देन फिनोमेनोलॉजी एंड एथनोमेथोडोलॉजी एटसेट्रा सभी कुछ एक्सपेक्टेड रहते हैं, तो नोट्स में कवर करते जा रहे हैं। एंड देन मार्क्स की थ्योरी एलियनेशन की, इसमें अब इससे आसान नहीं पूछेगा यूपीएससी कभी। एंड देन क्रिटिकली असेस करना था, मतलब आपने इसमें कमियां भी निकालनी थी, कि जरूरी नहीं है एवरीथिंग इज एलियनेटिंग, तो एलियनेशन का उपचार भी है, एंड कैपिटलिस्ट सोसाइटी कैसे उसको देखती है। ओके, देन मार्क्स का व्यू बताना आपने कि सोशल कॉन्फ्लिक्ट कैसे सोशल चेंज को लेकर आता है। अब ये अगेन मार्क्स में भी कवर्ड है, सोशल चेंज के चैप्टर में भी कवर्ड है कि सोशोलॉजी का जन्म ही सोशल चेंज से हुआ था ना, ये लाइन रटी हुई है हमने कि सोशोलॉजी का सब्जेक्ट ही दोस्तों सोशल चेंज से आया था जब फ्रांस में हुआ था। ओके, देन दोस्तों वो बोल रहे हैं कि इंपैक्ट बताइए जेंडर डीओएल का, जो हमारा जो जेंडर बेस्ड ड्यूअल रहती है ऑन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, जो हमारा सेक्सुअल ड्यूअल वाला अलग एक चैप्टर हमने जो कवर किया हुआ है, जो चैप्टर जो हमारे 9 में है पेट्रियार्की एंड सेक्सुअल ड्यूअल, उसमें आप यहां पर बता सकते हैं जितनी भी इमर्जेंस की बात होती है। दोस्तों इमर्जेंस में हम डिस्कस करते हैं कि हमारा सेक्सुअल ड्यूअल आया क्यों, है ना, कि हमारे जो ये जो डिवीजन ऑफ लेबर हुआ कि अगर जो जो मेन होंगे घर के बाहर का काम करेंगे, वेमेन घर के भीतर का काम करेंगी, ये इमरजेंस क्यों हुआ। तो इमरजेंस होने से सोसाइटी का डेवलपमेंट बता सकते हैं आप, इसमें जो जो एंजल्स हैं उनका व्यू डाल सकते हैं कि कैसे इवन पेट्रियार्की एंड कैपिटलिस्ट सोसाइटी दे स्टार्टेड जो इमर्जिंग हैंड इन हैंड, है ना, कैसे पेट्रियार्की बहुत पहले से शुरू हो जाती है, देन उसके बाद वो बताते हैं कि वो शुरुआती जो बीज बोया गया था आज से हजारों साल पहले कैपिटलिज्म ने आना ही था। एंड देन उसके फंक्शनल
मॉरलिटी की बात कर सकते हैं, एंथ्रोपोलॉजिकल व्यू दे सकते हैं, वो भी हमने कवर किया हुआ है ना। एंड देन उसके बाद आप प्रेजेंट डे स्टेटस बताएं एंड क्रिटिसाइज भी करें, ठीक है सर। कि ना कि डेवलपमेंट सोसाइटी को कई बार जेंडर डीओएल रोकता भी है, ठीक है। इसको जरूरी नहीं है कि हर बार सिर्फ सोसाइटी को प्रमोट कर रहा है, नो प्रमोट तो कर ही रहा है लेकिन रोक भी रहा है, बहुत ज्यादा रोक रहा है, ठीक है। एंड देन उसके बाद सोशल मूवमेंट्स का अंत कैसे होता है एग्जामिन कीजिए, एग्जाम्पल से समझाइए। लाइफ साइकिल ऑफ मूवमेंट्स, दो तीन हमारे पास यहाँ थिंकर्स हैं, उनके डायग्राम्स हैं, बहुत बढ़िया डायग्राम बनते हैं। एंड देन 10 मार्कर चैलेंज सिर्फ यही है कि कंटेंट को थोड़ा समेटना, एंड पॉसिबिलिटीज क्या क्या रहती है उनकी कल्मिनेशन की, कि खत्म हो सकती है, पॉलिटिकल पार्टीज बन सकती है, प्रेशर ग्रुप में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। एंड देन जो वेरियस थियरीज, जो थिंकर्स इसमें कोट हो सकते हैं, अबरले एक्सेट्रा, तो यहाँ पर डालिए। एंड मेरे हिसाब से बहुत ही मज़ेदार तरह का पेपर है, एक दो क्वेश्चन छोड़ दें, बाकी पेपर बहुत ज़्यादा डूएबल है। एंड पेपर टू देख के पता लगेगा कि कितना, और क्योंकि पेपर टू जनरली हमेशा ही ऐसा रहता है, बहुत जीएस टाइप रहता है, तो इसलिए पेपर टू को आप माइंड सेट ही ऐसे बना के चलिए कि यू कैन नेवर कंप्लीटली टैकल पेपर टू। तो इसीलिए पेपर वन एक्सेल करना है एंड पेपर टू में मैक्सिमाइज करना है जो हमारा जो कॉन्टेंट कंट्रोल में, ठीक है। ओके, देन थोड़ा सा मार्केटिंग, आप चाहे तो यहां पर हमसे विदा ले सकते हैं। मार्केटिंग में क्यों मैं चाहता हूं बताना, कि जो हम वीकली टेस्ट करते हैं, कंडक्ट हाफ लेंथ टेस्ट करते हैं, फुल लेंथ टेस्ट, इतने सारे सवाल कर लेते हैं कि आप थोड़ा सा लूप में आ जाते हैं कि अच्छा मुझे कहानी समझ आ रही है कि पूछेगा क्या कोई इंसान, वो मैं कैसे आंसर करूंगा, कैसे अपने कंटेंट को मोल्ड करूंगा। ऐसा कभी मैं कभी भी नहीं बोलूंगा अरे मेरे पास तो उसका कंटेंट ही नहीं है। ऐसे क्वेश्चन होंगे, डेफिनेटली क्वेश्चन होंगे जो हमेशा ही हमेशा दो या तीन पूरे पेपर में मिलेंगे हमें। 250 मार्क्स का पेपर वन है, 250 का पेपर टू है, ठीक है। 500 में से हमें हमेशा ही कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो हमें नहीं आते होंगे, दैट्स ओके। 10 20 नंबर 30 नंबर नहीं आता, दैट्स ओके 500 में से, ठीक है। लेकिन जो बाकी हमारे पास जो क्वेश्चंस पड़े हुए हैं, क्या हम एग्जिस्टिंग कंटेंट को मोल्ड करके उनको आंसर कर सकते हैं, दैट इज द आर्ट, ठीक है। वो हम जो ग्रेजुअली कंटेंट में सीखते हैं, ग्रेजुअली आंसर राइटिंग में सीखते हैं, जैसे सोशियोलॉजी साइंस है कि नहीं, अपने आंसर में जो बताइए, ठीक है, रीजन दिए अपने आंसर का, ऑब्जेक्टिविटी वैल्यू न्यूट्रलिटी से कैसे डिफरेंट है, मर्टन ने जो फंक्शनल उसको रिफॉर्म किया, ये जो हमारा क्वेश्चन है, जो हमारे जो FLT में, देन इनइक्वालिटी एंड सोशल इंक्लूजन कैसे एग्रेवेट करते हैं सोसाइटी के बहुत सारी जो चीजों को, एग्रेवेट भी करते हैं और रादर जो एनहांस एंड थोड़ा डिक्रीज भी करते हैं। सोशल एक्सक्लूजन पर जो लेक्चर है, मैंने एक स्क्रीनशॉट लगा दिया, बहुत जल्दी जल्दी बनाने की ट्राई की है। डेमोक्रेसी इज द लीस्ट बैड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एक्सप्लेन कीजिए, है ना। डेमोक्रेसी की पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बताने पड़ेंगे ना, लीस्ट बैड है, बुरी तो है लेकिन इतनी बुरी, जो सबसे बुरी नहीं है, ठीक है। एंड देन एक्टिव सिविल सोसाइटी जो स्ट्रेंथन करती है जो डेमोक्रेसी को, लेकिन ओवरऑल जो आप इसको क्रिटिसिज्म पॉजिटिव दोनों समझा सकते हैं यहाँ पर। देन उसके बाद टर्शरी सेक्टर के आने से कैसे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वीकन हो जाएगी, ठीक है। आप इसको जैसे ना कैपिटलिज्म के राइज से टर्शरी सेक्टर राइज होता है, सर्विसेज राइज होती हैं, तो बता सकते हैं, कुछ जोड़ सकते हैं। देन सोशल ऑर्गेनाइजेशन इन पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी डिस्कस किया हुआ हमने। एंड देन वेरियस थ्योरीज एक्सप्लेन ओरिजिन ऑफ रिलीजन, जो हमारे प्री हिस्टोरिक रिलीजन से पूछा गया। एंड देन एजुकेशन, मास मीडिया सोशल चेंज के हैं लेकिन ये रोकते भी हैं, इनइक्वालिटी कंजर्वेटिविज्म को भी बढ़ावा देते हैं, ठीक है। तो इसको हमने आराम से हम डर्खाइम का नाम लिखकर इसको एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। मेहनत बेस्ड है, मैं सिर्फ आपको ये नहीं चाहता कहना कि आपको बिल्कुल प्लैटर पे मिलेगा, नहीं नहीं, प्लैटर पे कुछ नहीं मिलने वाला दोस्तों, मेहनत बेस्ड है। और जो अपने मैं ग्रुप्स में देख सकता हूं, वहां पे बच्चे बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं एंड दे स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम डिस्कसिंग इंपॉर्टेंट थिंग्स, दे डू नॉट जस्ट इन्वॉल्व इंडल्ज इन चिट चैटिंग विच दे कैन, लेकिन जो चिट चैटिंग के बियॉन्ड जाकर अच्छे काम की बातें कर रहे हैं तो बहुत फायदा भी होगा, ओके। देन सोशियोलॉजी का स्कोप किस तरह से एक्सपैंड किया इंसेप्शन से लेकर आज तक, सोशल फैक्ट्स क्या होते हैं एंड कैसे स्टडी किए जा सकते हैं, ना सवाल बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड रहते हैं, तो पूछने पड़ेंगे आपको ना, और हम आपसे पूछेंगे, आप हमें बताएंगे, दैट्स इट, पेपर में भी पूछ लेगा यूपीएससी। देन थ्योरी बिल्डिंग के बारे में बताइए, हाइपोथेसिस के बारे में बात हुई है। एंड देन उसके बाद ऑरिजिन ऑफ रिलीजन इन सोसाइटी, देन इमर्जिंग ट्रेंड्स इन मैरिजेज एंड फैमिली, जो बदलाव आ रहे हैं जो समाज में हमसे पूछा गया सवाल, एथनो मेथोडोलॉजी फिनोमिनोलॉजी के बारे में क्रिटिसिज्म पूछ लिया, एंड की पॉजिटिविज्म का सिमिलर से सवाल नजर आते हैं एग्जैक्ट, देखो ये हमारे टेस्ट में पूछे गए हैं और यहाँ पे यूपीएससी पूछ रहे हैं, तो इसीलिए थोड़ा कॉन्फिडेंट रह के एग्जाम में जाइए। एंड अगर तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी अच्छे से कीजिए। एलियनेशन का कॉन्सेप्ट बताइए, जो मार्क्स ने दिया था, डर्खाइम के एनॉमी से कैसे डिफरेंट है, अपने आंसर में अगर आपने डाल दिया ऐसे एक आधी लाइन, तो मतलब आप समझ रहे हैं कि ना चीज़ों को रिलेट करने वाला जो लेवल है, जो चीज़ों को रिलेट कर रहे हैं, एग्जामिनर को भी अच्छा लगेगा ना कि मैं बिल्कुल ही ऐसे किसी जैसे ना कि बिल्कुल ले मैन वाले बच्चे से बात नहीं कर रहा, थोड़ा सा समझ कर आया बच्चा। एंड अगेन बच्चा समझ के कब आएगा, जब वो मेहनत कर रहा होगा, ओके। देन सोशल कॉन्फ्लिक्ट, जो सोशल चेंज का ही
भी कॉज एंड कॉन्सिक्वेंस से एक्सप्लेन कीजिए, बस ये मार्केटिंग एक्सरसाइज है दोस्तों, आप चाहें तो छुट्टी कर सकते हैं। एंड देन उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट एंड फंक्शनलिस्ट व्यू बताइए सोशल चेंज का, ठीक है। अभी जो हमने जो पेपर में सवाल देखा डर्कहाइम की अंडरस्टैंडिंग DOL की हम दे सकते हैं, पैरेलली आप यहां पर बता सकते हैं कि कैसे जो जेंडर आइडेंटिटी कैसे फॉर्म होती है, मीड की थ्योरी यूज कीजिए, अच्छा आंसर बनाइए। ओके, पेट्रियार्की एंड सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर वाला जो हमारा लेक्चर है उसमें से तो कंटेंट निकलता ही जाएगा। एंड देन कंटेंपरेरी सोशल मूवमेंट्स हैं वो कह रहे हैं शॉर्ट लिव्ड होती हैं क्योंकि बहुत जल्दी खत्म हो जाती हैं, आप बता सकते हैं कि कंक्लूजन कैसे होता है इनका, एंड है ना इस क्वेश्चन की मदद से। एंड देन जो आपने बताना है कि कैसे सोशल मूवमेंट जो है कैसे वेरियस फैक्टर्स के चलते बदल जाती हैं, चेंज हो जाती हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत से सवाल अनंत क्वेश्चंस हैं जो पेपर में ऐसे लगता है कि अगर हम पढ़ के जाएं और ऐसे प्रैक्टिस की हो तो फायदा हो सकता है, पूछेगा तो यूपीएससी वही आठ सवाल का अगर हम टोटल मिला मिलू के देखें तो 28 क्वेश्चंस होते हैं, 28 में से हमें अगर देखें हमें 19 करने होते हैं, 19 सवालों में आपके इतनी सारी पढ़ाई समा जाएगी एंड 19 सवालों की ही ये गेम है एक पेपर में एंड 19 दूसरे पेपर में, तो इतना मुश्किल नहीं है और इतना आसान भी नहीं है क्योंकि गेम सभी के लिए सेम है, जो जितनी ज्यादा मेहनत कर रहा है, जितना ज्यादा पसीना बहा रहा है, जितना ज्यादा किताबों के साथ वक्त जो व्यतीत कर रहा है वो उतना आगे निकलेगा, एंड ये ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि जो मेहनत कर रहा है उसी को ही फल मिले, ठीक है दोस्तों। तो ये था हमारा छोटा सा एनालिसिस पेपर वन का, थोड़ा मोटिवेट हो जाइए अगर आप आने वाले टाइम में पेपर देने वाले हैं, और अगर आप पेपर बहुत नजदीक है अगर तो थोड़ा कमर कस लीजिए एंड थोड़ा स्ट्रेटजी थोड़ा फॉर्मुलेट कीजिए, वेरियस टॉपिक्स को देखिए, कोई टॉपिक छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई ऐसे फालतू टॉपिक नहीं है, कभी भी कुछ भी पूछा जा सकता है, इसलिए एक एक टॉपिक को कवर कीजिए, ठीक है दोस्तों। एंड बस पढ़ते रहेंगे और पूरी सोशो की प्लेलिस्ट है, एंजॉय कीजिए उसको, यूट्यूब पे लगा हुआ है और नए नए टॉपिक्स आते रहेंगे, तो आई विल कीप शेयरिंग देम विद यू। ऑलराइट दोस्तों, चलिए मिलेंगे अपने अगले वीडियोस में बहुत ही जल्द, बाय बाय, टेक केयर।